सो गाइस ऑलमोस्ट जो है सभी बड़े बड़े सिटीज़ में जो है यहाँ पर आपको 5G अनलिमिटेड डेटा मिल रहा है, यानी कि अगर आपके पास जियो का सिम है तो आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, अगर आपके पास एयरटेल का सिम है तो भी जो है आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 5G डिवाइस है तो। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हर एक एक्सबॉक्स वीडियोस के ऊपर जो है आप लोगों के कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स रहते हैं कि भाई मेरे पास जो है 5G डिवाइस है तो क्या हम मोबाइल हॉटस्पॉट से एक्सबॉक्स सीरीज एस या फिर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पे गेम्स को डाउनलोड कर पाएंगे, क्या हम गेम्स को स्मूथली रन कर पाएंगे। ये जो है काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है भाई कि एक टेस्ट करके ऐसा बताओ ताकि हमें भी पता चले कि एक्सबॉक्स सीरीज एस या फिर एक्सबॉक्स सीरीज एक्स में गेम्स डाउनलोड करने पर स्पीड क्या मिलेगी और कितने टाइम में गेम्स डाउनलोड हो जाएगी और कितना स्मूथ जो है गेम प्ले यहाँ पर हमारा चलेगा। तो गाइज़ यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे पास जो है 5G डिवाइस है और उसमें जो है जियो का सिम है, अनलिमिटेड 5G है, मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर जो है नेटवर्क अवेलेबल है 5G का और डिवाइस भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, मोबाइल हॉटस्पॉट से एक्सबुक सीरीज एस पे कनेक्ट करेंगे और उस पर जो है मैं आपको गेम्स डाउनलोड करके बताने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लगे। और स्पेशली जो लोग नए हैं या फिर जो लोग अभी एक्सबुक सीरीज एस खरीदना चाहते हैं, वैसे जनरली उन्हीं लोगों के जो है ये कमेंट्स आते थे कि भाई हम जो है एक्सबॉक्स सीरीज एस खरीदने जा रहे हैं तो क्या 5G नेटवर्क से चल पाएगा, क्योंकि 5G जो है अभी जियो एंड एयरटेल जो है अनलिमिटेड दे रहे हैं। और गाइस वीडियो में ही जो है कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क से रिलेटेड ही, तो वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो गाइस, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बाकी एक्सबॉक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है मोर एक्सबॉक्स वीडियोस करके, आप चाहे तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज अभी क्या है कि अभी जो मेरा एक्सबॉक्स सीरीज एस यहाँ पर कनेक्टेड है वो है मेरे घर के वाईफाई से, यानी कि मेरे पास जो है अनलिमिटेड वाला वाईफाई का प्लान है और वो भी मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा। मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस रहा है वाईफाई का, क्योंकि मैं 2 साल से जो है सेम कंपनी का वाईफाई यूज़ करता हूँ, तो उनकी स्पीड में और जियो 5G में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई कि क्या अभी कनेक्ट है नेटवर्क में। देखो नेटवर्क सेटिंग्स में हम जैसे ही जाते हैं, सेटअप वायरलेस नेटवर्क, यहाँ पर आप देख सकते हो केबी हाउस लिखा है जो कि मेरा घर का वाईफाई है, राइट। तो इसको जो है अभी हम निकाल देते हैं, यहाँ पर देखो सेटअप वायरलेस नेटवर्क में जाएंगे और यहाँ पर जो है मेरे पास एक 5G डिवाइस है गाइस, इसमें जो है सबसे पहले मैं हॉटस्पॉट को ऑन कर लेता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पर जो है केबी हाउस के नीचे देखोगे ना तो 1+11R लिखा हुआ है, 5G लिखा हुआ है, तो ये जो है अभी मोबाइल से जो हॉटस्पॉट अभी हमने ऑन किया है वो वाला है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और इसको जो है कनेक्ट करते हैं। सक्सेसफुली यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है सीरीज एस में कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 1 device कनेक्टेड लिखा हुआ भी आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर जो है दोज वो रिमेन करके एक गेम है जो कि गेम पास में अभी लेटेस्ट जो है यहाँ पर ऐड हुई है, तो उसकी साइज़ है 11GB की, उसको हम अभी डाउनलोड करने वाले हैं और यहाँ पर जो है हम टाइमर को ऑन करेंगे वे कि कितना जो है एग्जैक्ट टाइम लगा 5G डिवाइस से ये गेम को डाउनलोड करने में। तो 11GB मैं यहाँ पर आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक स्पीड का आइडिया लग जाए कि उससे जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कि भाई 11GB का इतना टाइम लगा तो 20GB या फिर 30GB 40GB 50GB का कितना टाइम यहाँ पर लगेगा। तो देखो यहाँ पर जो है हम इंस्टॉल के ऊपर भाई एक बार क्लिक कर देंगे, देखो गाइस यहाँ पर जो है अभी ये इंस्टॉल होना चालू हो रहा है तो 1.39 हुआ है और यहाँ पर जो है हम ये जो टाइमर है हमने गाइस स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर जो है आप अभी मैं आपको जो है थोड़ा सा स्पीड का भी एक आइडिया दे दूंगा। ओके ये जब तक जो है डाउनलोड हो जाता है गाइस, यहाँ पर जो है मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, काफ़ी सारे लोग यही पूछते हैं भाई कि हमारे पास जो है वाईफाई का प्लान अभी नहीं है या फिर वाईफाई नहीं है क्योंकि हमारे बजट में अभी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जनरली जो एयरटेल एंड बाकी कंपनीज है वो 8-9 हज़ार रुपये चार्ज लेती है पर ईयर का वाईफाई का अनलिमिटेड प्लान का, तो उतना बजट हो सकता है आपने जो है नया नया कंसोल खरीदा और ना हो। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे लोग इसलिए पूछते हैं भाई कि 5G डिवाइस है उनके पास ऑलरेडी, तो क्या वो 5G डिवाइस का यूज़ करके गेम्स को डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा एक आंसर है गाइस, जब तक जो है आपको अनलिमिटेड मिल रहा है फ्री में तब तक आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो गेम हमने लगाया था डाउनलोड के लिए जो कि 5G अनलिमिटेड के साथ था, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गेम जो है ऑलमोस्ट डाउनलोड होने को आए, कुछ सेकंड्स बाकी है। एंड यहाँ पर अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो जो स्पीड दिख रही है ना गाइज आपको, ये काफ़ी जो है फ्लक्चुएट हुई है, यहाँ पर कई बार जो है 110 MBPS, कभी कभी 90 MBPS, कभी कभी 80 MBPS, पर यहाँ पर जो है टाइमर भी अभी हमारा स्टार्ट ही है। ऑलराइट ऑलमोस्ट जो है यहाँ पर गेम जो है अपना डाउनलोड हो चुका है, देखो ख़त्म। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज जो 11GB का हमारा जो गेम है, यहाँ पर आप देख सकते हो गाइज 19.20
यानी कि 19 ऑलमोस्ट मैं अगर यहाँ पर 19 मिनट गिन के चलूँ तो 19 मिनट में ये गेम डाउनलोड हुआ है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि इसके बीच में क्या हुआ था ना कि एक बार जो है ये नेटवर्क जो है ऑटोमेटिक 4G पे स्विच हो गया था ऑटोमेटिक, राइट। तो यहाँ पर जो है आप एक मिनट जो है यहाँ पर लेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो 18 मिनट है उसमें जो है यहाँ पर 11 GB का गेम जो है यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है गाइस। और अगर हम इसको जो है मेरे खुद का जो वाईफाई है जो मेरे घर पे लगा हुआ है उसके साथ कंपेयर करें ना तो यहाँ पर जो है काफ़ी एक अच्छी स्पीड है। यहाँ पर मैं जनरली जो है वाईफाई से कोई भी आप मान के चलो कि 10 GB या फिर 20 GB का हम गेम डाउनलोड करते हैं ना गाइस, तो यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट आधा घंटा लग जाता है। तो यहाँ पर जो है 11 GB का गेम सिर्फ और सिर्फ 18 मिनट में, विच इज़ वेरी गुड। यहाँ पर जो है काफ़ी आपको जो है अच्छी स्पीड मिल रही है और इसके हिसाब से जो है आप आगे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर देखो कनेक्टिंग अभी हो रहा है, एक बार मैंने आपको दिखाया नहीं है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अभी नेटवर्क सेटिंग में जाके नेटवर्क सेटिंग्स यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी जो है OnePlus 11R ही लिखा हुआ है। यहाँ पर जो है हॉटस्पॉट वाला ही अपना 5G जो है अभी कनेक्ट है। बैक कर देते हैं, गेम में चलते हैं, न्यू मोड नहीं खेलना है भाई, फटाफट से हम प्ले कर देते हैं। यहाँ पर जो है हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है एंड ओके आप ही देख ही सकते हो भाई मस्त चल रहा है, कोई इश्यू नहीं आएगा भाई, 5G है। अच्छा मुझे पीछे जाना था क्या? देखो बिल्कुल भी लैग नहीं हो रहा है, किसने तो उठा लिया है भाई, कहाँ है भाई। मुझे एक तो मैं इतना पास में खड़ा हूँ ना भाई, मुझे दिख नहीं रहा है सच में कुछ भी, मतलब बहुत हार्ड है इतना, मतलब बड़ा टीवी है एक तो। ओके यहाँ पर ही है, ये रहे। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर जो है आप लोगों ने कई बार पूछा था 5G नेटवर्क से रिलेटेड, तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ क्लियरली कि एक्सबॉक्स का कोई भी कंसोल हो डिजिटल गेम्स जो है आप अनलिमिटेड 5G डेटा के साथ बड़े ही आराम से और अच्छी स्पीड पे डाउनलोड कर पाओगे और खेल भी पाओगे। तो जो लोग अभी भी ये सोच रहे हैं कि मेरे पास वाईफाई नहीं है तो एक्सबॉक्स कंसोल लेना सही नहीं है, वो गलत सोच रहे हैं। आप ले सकते हो 5G डिवाइस है तो डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए यार। तो चलिए गाइस इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए एंजॉय।